हमेशा याद रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं आकाश कुमार, टेक डेफी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। ये इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग का तीसरा वीडियो है, जो कि गियर एंड गियर सिस्टम का पार्ट टू है। आपको इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग के सारे वीडियोस मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ये सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्पॉट द इनकरेक्ट रिलेशन। तो इनकरेक्ट रिलेशन क्या है? तो इसमें हो जाता है एडेंडम जो होता है वो 2.57 टाइम्स द मॉड्यूल ऑफ द गियर। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है? मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गियर। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है द कॉन्टैक्ट रेशियो इज द रेशियो ऑफ सर्कुलर पिच टू द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होता है? तो कॉन्टैक्ट रेशियो इज द रेशियो ऑफ सर्कुलर पिच टू द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। बाकी ये सब सही है। एडेंडम जो होता है वो स्मॉलर होता है किससे? डिडेंडम से। पिच सर्कल डायमीटर इज ग्रेटर देन द बेस सर्कल डायमीटर और द साइज ऑफ द गियर इज यूजली स्पेसिफाइड बाई पिच सर्कल डायमीटर। ये सारे तीनों सही है और एक चौथा गलत है। और 20 डिग्री गियर हैव ए मॉड्यूल पिच ऑफ 40 mm। द नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर इज 40। नंबर ऑफ टीथ कितना है? 40। इफ अडेंडम इज इक्वल टू 1 मॉड्यूल, अडेंडम किसके बराबर है? 1 मॉड्यूल के बराबर, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ अडेंडम सर्कल। तो अडेंडम सर्कल का रेडियस कितना होगा? तो ये होगा 42 mm का। फिर व्हेन टू स्पर गियर आर टू बी मेश देयर, अगर कोई दो स्पर गियर मेश करने वाला है तो उसमें क्या होना चाहिए? तो उसमें होना चाहिए उसके मॉड्यूल मस्ट बी सेम, देयर मॉड्यूल मस्ट बी सेम होना चाहिए। फिर द कॉमन कॉन्टैक्ट रेशियो ऑफ ए पेयर ऑफ स्पर पिनियन एंड गियर इज, कॉमन कॉन्टैक्ट रेशियो कितना होना चाहिए? तो होना चाहिए बिटवीन 2 और 3 के बराबर, ठीक है। फिर है व्हेन टू टीथ प्रोफाइल ऑफ ए गियर आर कॉन्जुगेट द स्लाइडिंग वेलोसिटी बिटवीन देम इज कितना होना चाहिए? तो मतलब बोल रहा है जब दो टीथ जो है प्रोफाइल ऑफ द गियर का जो कॉन्जुगेट है तो द स्लाइडिंग वेलोसिटी बिटवीन देम कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए इज ऑलवेज जीरो, स्लाइडिंग वेलोसिटी जीरो होना चाहिए ऑल थ्रू आउट द पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द गियरिंग कॉन्टैक्ट, इनमें से कौन सा गियरिंग कॉन्टैक्ट को रिप्रेजेंट करता है? तो वो हो जाएगा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ओनली रोलिंग एट द पिच पॉइंट, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ओनली रोलिंग एट द पिच पॉइंट पर। फिर है इन मेशिंग गियर विथ इन्वॉल्यूट गियर टिथ द कॉन्टैक्ट बिगिन एट द इंटरसेक्शन ऑफ द, मेशिंग गियर में विथ इन्वॉल्यूट गियर टिथ के साथ द कॉन्टैक्ट बिगिन एट द इंटरसेक्शन ऑफ, किसके इंटरसेक्शन पे होता है? तो हो जाएगा लाइन ऑफ एक्शन एंड एडेंडम सर्कल ऑफ द ड्रिवन गियर। किसके इंटरसेक्शन के बीच में होगा? इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन एंड एडेंडम सर्कल ऑफ द ड्रिवन गियर। फिर है द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विच रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज रेफर्ड एज, क्या रेफर करता है? तो उसको कहते हैं हम लोग साइक्लॉइड कहते हैं। द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विच रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज रेफर्ड एज, तो क्या होगा? साइक्लॉइड। फिर है वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साइक्लॉइडल टूथ गियर, ठीक है ना। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो नहीं है मतलब साइक्लॉइडल टूथ गियर का? तो वो हो जाएगा प्रोन टू सीवियर इंटरफेरेंस। तो ठीक है, इसमें जो है सीवियर इंटरफेरेंस ऑकर नहीं होता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइक्लॉइडल टूथ गियर आर करेक्ट एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा गलत है मतलब? तो हो जाएगा डी, द प्रेशर एंगल इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट फ्रॉम बिगनिंग टू एंड ऑफ द एंगेजमेंट। कॉन्स्टेंट रेशियो जो है वो कॉन्स्टेंट बता रहा है फ्रॉम बिगनिंग टू एंड ऑफ एंगेजमेंट तक, ठीक है। द कर्व ट्रेस बाय द एंड ऑफ द थ्रेड एज इट इज अनवोन्ड फ्रॉम अ स्टेशनरी सिलेंडर इज कॉल्ड इन्वोल्यूट प्रोफाइल ऑफ द गियर टूथ। इन द केस ऑफ एन इन्वोल्यूट टूटेड गियर इन्वोल्यूट स्टार्ट फ्रॉम, इन्वोल्यूट कहाँ से स्टार्ट होता है इन्वोल्यूट टूटेड गियर में? तो ये स्टार्ट होता है डिडेंडम सर्कल से। व्हेन टू स्पर गियर हैव हैविंग इन्वोल्यूट प्रोफाइल ऑन देयर टीथ इंगेज द लाइन ऑफ एक्शन इज टेंजेंशियल टू द, किसके टेंजेंशियल होता है लाइन ऑफ एक्शन? तो ये टेंजेंशियल होता है बेस सर्कल के। तो बोलेंगे व्हेन टू स्पर गियर हैविंग इन्वोल्यूट प्रोफाइल ऑन द टीथ इंगेज द लाइन ऑफ एक्शन इज टेंजेंशियल टू द बेस सर्कल। फॉर अ गियर विथ अ इन्वोल्यूट प्रोफाइल टीथ द नॉर्मल टू द इन्वोल्यूट इज टेंजेंट टू द, किससे टेंजेंट होता है? तो बेस सर्कल से होता है। फिर है इन गियर
टर्म प्रेशर एंगल रेफर टू एंगल, कौन सा एंगल को प्रेशर एंगल कहेंगे? तो ये है द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन एंड कॉमन टेंजेंट टू द पिच सरफेस इन द प्लेन ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। जो प्रेशर एंगल किसको रेफर करेगा, वो एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन एंड द कॉमन टेंजेंट टू द पिच सरफेस इन द प्लेन ऑफ रोटेशन। फिर इन इनवोल्यूट पिनियन एंड गियर आर इन मेश इफ बोथ हैव द सेम साइज ऑफ एडेंडम देन देयर विल बी एंड इंटरफेरेंस बिटवीन, किन के बीच में इंटरफेरेंस होगा, तो इंटरफेरेंस होगा द टिप ऑफ द गियर टूथ एंड फ्लैंक ऑफ रोटेशन। किसी भी एन इन्वोल्यूट पिनियन एंड गियर आर इन मेश इफ बोथ हैव द सेम रेशियो ऑफ एडेंडम देन देयर विल बी एन इंटरफेरेंस बिटवीन द टिप ऑफ द गियर टूथ एंड अ फ्लैंक ऑफ रोटेशन। इंटरफेरेंस इन एन एक्सटर्नल इन्वोल्यूट स्पर गियर कैन बी रिड्यूस बाय, इंटरफेरेंस जो होगा एक्सटर्नल इन्वोल्यूट स्पर गियर में कैसे रिड्यूस कर सकते हैं उसको, तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं इंक्रीजिंग नंबर ऑफ गियर टीथ के साथ। इन गियर इंटरफेरेंस टेक प्लेस व्हेन, इंटरफेरेंस ऑकर ही कब करता है गियर में, तो जब द टिप ऑफ द टूथ ऑफ द मेटिंग गियर डिग इन टू द पोर्शन बिटवीन बेस एंड द रूट सर्कल। द सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ टीथ टू बी केप्ट फॉर अ गियर व्हील क्या हो जाएगा, सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ टीथ टू बी केप्ट फॉर अ गियर व्हील, इसे कहते हैं टू अवॉइड इंटरफेरेंस एंड अंडर कटिंग, ठीक है ना, टू अवॉइड इंटरफेरेंस एंड अंडर कट। एफिशेंसी ऑफ द वॉर्न गियर ड्राइव कैन बी इंप्रूव बाय, कैसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो पहले दिया है इंक्रीजिंग द स्पायरल एंगल एंड वॉर्न थ्रेड टू 45 डिग्री एंगल और मोर, अडॉप्टिंग प्रॉपर लुब्रिकेशन, अडॉप्टिंग वॉर्न डायमीटर एज स्मॉल एज प्रैक्टिसेबल टू रिड्यूस स्लाइडिंग बिटवीन द वॉर्न थ्रेड एंड द व्हील थ्रेड, अडॉप्टिंग कन्वेक्स टूथ प्रोफाइल बोथ फ्रॉम फॉर वॉर्न एंड व्हील, ठीक है ना। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो इस पे सही होगा 1, 3 एंड 4, मतलब इंक्रीजिंग द स्पायरल एंगल ऑफ द वॉर्न थ्रेड टू 45 डिग्री एंगल और मोर, फिर उसके बाद होगा अडॉप्टिंग वॉर्न डायमीटर एज स्मॉल एज प्रैक्टिसेबल टू रिड्यूस स्लाइडिंग बिटवीन वॉर्न थ्रेड एंड व्हील थ्रेड, और चौथा हो जाएगा कौन सा, अडॉप्टिंग कन्वेक्स टूथ प्रोफाइल बोथ फॉर वॉर्न एंड व्हील। फिर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ गियरिंग, और लॉ ऑफ गियरिंग क्या कहता है, तो लॉ ऑफ गियरिंग कहता है द कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द पेयर ऑफ टीथ ऑलवेज पासेस थ्रू द पिच पॉइंट, किसे पास करेगा, तो पिच पॉइंट से पास करेगा। फॉर हेलिकल गियर द हेलिकल हेलिक्स एंगल जनरली रेंजेस फ्रॉम, किसी भी हेलिकल गियर में हेलिक्स एंगल कितना रेंज करता है, तो ये रेंज करता है 0 से लेकर 30 डिग्री तक। फिर द एंड ऑफ द गियर आर मेड स्लाइटली थिनर क्रॉनिंग, दिस इज डन क्यों किया जाता है, एंड ऑफ द मतलब जो एंड होता है गियर का उसको स्लाइटली क्रॉनिंग, तो ये किया जाता है टू मेक द टीथ स्ट्रॉन्गर एंड इंक्रीज इट्स सर्विस लाइफ, उसके टीथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उसके सर्विस लाइफ को बढ़ाने के लिए। अ गियर प्रोड्यूस बाय डाई कास्टिंग आर जनरली यूज्ड फॉर, जो गियर जो प्रोड्यूस होता है डाई कास्टिंग में वो जनरली किसके लिए यूज़ होता है, तो वो यूज़ होता है लाइट ड्यूटी के लिए। थैंक यू, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करना ना भूलें।